गाइज फाइनली हाइपरस के जो अपडेट्स हैं यार इंडिया और ग्लोबल के लिए लॉट्स ऑफ डिवाइसेस के अंदर इंडिया में रिलीज किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्वार्टर टू के अपडेट्स हैं जिसमें यहाँ पर रेडमी के बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जिनको यहाँ पर अप्रैल के अंदर हाइपरस का जो अपडेट है वो मिलने वाला है, उस डिवाइसेस की जो लिस्ट है वो शाओमी ने रिलीज कर दी, जिसमें रेडमी के 50 सीरीज़ के काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, शाओमी 11 आई वगैरह, रेडमी नोट 11 सीरीज़, इवन यहाँ पर और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं शाओमी के, पोको के और रेडमी के, जिनके लिए हाइपरस शाओमी यहाँ पर अप्रैल के अंदर रिलीज़ करने वाला है। तो उन डिवाइसेस की जो लिस्ट है वो यहाँ पर आ चुकी है, तो इस लिस्ट में अगर आपका डिवाइस आता है तो आपको भी अपडेट मिलेगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डिवाइसेस के लिए यहाँ पर अपडेट्स रिलीज किए जाने वाले हैं अप्रैल के अंदर। ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए, चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं शाओमी हाइपरस इंडिया रोल आउट शेड्यूल अनाउंस, तो मतलब इसका जो अनाउंसमेंट है वो कर दिया है, और इसमें कौन कौन से डिवाइसेस के लिए जो अपडेट्स हैं वो देखने को मिलेंगे वो भी ऑफिशियल लिस्ट जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर इसका जो रोड मैप आया था जिसमें रिलीज के बारे में बताया था कि कौन कौन से डिवाइसेस को अपडेट मिलेंगे, तो यहाँ पर ऑलरेडी जिन डिवाइसेस के लिए रिलीज कर दिया जिसमें Xiaomi 13 Pro है और Xiaomi Pad 6 है, Redmi 12 है, Redmi 12 5G है, Redmi 12C है, Redmi 11 Prime है और Redmi Pad है, जिनको ऑलरेडी हाइपरस मिल चुका है। और मार्च के अंदर इन डिवाइसेस को भी अपडेट मिल गया जिसमें Xiaomi 12 Pro है, Redmi Note 12 5G मॉडल है, Redmi Note 12 Pro 5G मॉडल, Redmi Note 12 Pro Plus 5G और यहाँ पर Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro Plus, तो इनको भी इंडिया में अपडेट मिल गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ और कौन कौन से डिवाइसेस का अपडेट यहाँ पर आने वाला है, तो उसका जो अनाउंसमेंट है वो Xiaomi ने यहाँ पर किया है और काफ़ी सारे डिवाइसेस के बारे में बताया जिनको अप्रैल मई और जून के अंदर अपडेट यहाँ पर मिलेगा। तो इस लिस्ट में कौन से डिवाइस आते हैं जिसमें आप देखोगे Xiaomi 11 अल्ट्रा है, Xiaomi 11T Pro है और यहाँ पर Xiaomi 11X है, Xiaomi 11i हाइपर चार्ज आपको मिल जाता है, Xiaomi का जो 11 लाइट 5G एनी मॉडल है वो भी आपको इसी लिस्ट में मिलता है और यहाँ पर Xiaomi 11i मिल जाता है, Xiaomi 10 मिल जाता है, Xiaomi Pad 5 मिल जाता है, Redmi K50i भी आपको इस लिस्ट में यहाँ पर मिलता है जो कि अप्रैल के अंदर यहाँ पर सिलेक्टेड है, Redmi 13C सीरीज़ के सारे मॉडल्स हैं और यहाँ पर Redmi 12 है, Redmi 11 Prime 5G मॉडल, यहाँ पर Redmi Note 11 सीरीज़ के सारे मॉडल जिसमें Redmi Note 11 में अपडेट आ गया है, लेकिन Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro Plus में अपडेट यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो इस हिसाब से आप देखोगे ये वाली जो लिस्ट है वो यहाँ पर सिलेक्टेड है और इसको जो अपडेट है वो यहाँ पर अप्रैल से मिलना स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अप्रैल मई और जून के बारे में यहाँ पर Xiaomi ने बताया है भाई, इनको जो अपडेट है वो यहाँ पर अप्रैल मई और जून के बीच में मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ अप्रैल में कौन कौन से डिवाइसेस को यहाँ पर अपडेट मिल सकता है, यहाँ पर Redmi Note 11 सीरीज़ है जिसमें Redmi Note 11 Pro Plus दोनों ही मॉडल इनको अप्रैल के अंदर ही अपडेट मिलेगा, Xiaomi 11 Lite 5G एनी मॉडल है इसको भी अप्रैल के अंदर ही अपडेट मिल रहा है, Xiaomi 11i हाइपर चार्ज इसको पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अप्रैल के एंड तक देखने को मिल सकता है। देन यहाँ पर Redmi K50i की मैं बात करूँ तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पर Redmi K50i को जो अपडेट है वो यहाँ पर अप्रैल के एंड तक देखने को डेफिनेटली मिल सकता है, क्योंकि इसका रोल आउट K50 Pro Ultra वगैरह का स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो डिवाइस है वो यहाँ पर क्वार्टर टू के लिए सिलेक्टेड है, इनको अपडेट्स भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कौन कौन से डिवाइस है जिनके अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, यहाँ पर Redmi सीरीज़ के भी काफ़ी सारे मॉडल्स देखने को मिले हैं जिसमें K50i आपको ऑलरेडी पता है कि इसको अपडेट मिलने वाला, K50i है, K50i Pro है और यहाँ पर Redmi Note 11T 11T Pro भी आपको इस लिस्ट में मिलता है। देन यहाँ पर Redmi Note 10 सीरीज़ के भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं और यहाँ पर Xiaomi Redmi Note 8 भी आपको मिलता है जो कि 2021 मॉडल है, इसको भी हाइपरस डेफिनेटली देखने को मिले जो कि Redmi Note 8 है और Redmi 10 Power है जो कि इंडिया मॉडल है, Redmi 10C है, Redmi 10 India भी आपको इसमें मिलता है और यहाँ पर और भी काफ़ी सारे मॉडल जिसमें यहाँ पर Redmi 13C जो 5G मॉडल है और यहाँ पर Redmi Note 13 जो 4G मॉडल है उनको भी यहाँ पर अपडेट्स देखने को मिलेगा, A2 Plus वगैरह भी जो है वो यहाँ पर सिलेक्टेड है, Redmi Note 11S भी आपको इस लिस्ट में मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे डिवाइस हैं जिसमें Redmi K70 सीरीज़ है, Redmi K50 सीरीज़ है, ये भी सारे मॉडल सिलेक्टेड हैं जो कि क्वार्टर टू के लिए ही सिलेक्टेड हैं, यहाँ पर इनको क्वार्टर टू के अंदर ही अपडेट मिलेगा, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro Plus है और उसके बाद Redmi Note 11 Pro Plus 5G मॉडल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देन पोको डिवाइस भी में काफ़ी सारे हैं जिसमें पोको C51 है, पोको M5 है, M5S है, पोको F4 GT वगैरह भी आपको इस लिस्ट में मिल रहा है ऑलरेडी और जिनको यहाँ पर ऑलरेडी अपडेट मिल गया उसमें भी काफ़ी सारे मॉडल्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो ये जो सारे डिवाइस हैं इनको हाइपरस 100% मिलेगा, इनकी ऑफिशियल कंफर्मेशन Xiaomi ने यहाँ पर कर दी है, जिनके लिए रोल आउट भी स्टार्ट यहाँ पर हो चुका है और इसी शेड्यूल के हिसाब से अप्रैल मई और जून के बीच में ये अपडेट्स देखने को मिलेंगे। अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके पास कौन सा फ़ोन है और आपके फ़ोन में यहाँ पर कौन सा अपडेट देखने को मिल चुका है, हाइपरस मिला या फिर अभी आपको थोड़ा सा वेट यहाँ पर करना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एस यू इन द नेक्स्ट वन।